भाई मजाक बाद में करो, पहले ये लगाओ, मार्क लगाओ। भाई जो हमारा नंबर चार है वो सांपों की प्रजाति से बिलोंग करता है, जो कि लेट लेट के पूरी स्क्वाड मार देते हैं। ये आपको आगे पता चलेगा कि मैंने क्यों बोला। वो स्क्वाड है, एक स्क्वाड है। रेस्टोरेंट में उतारो भाई। कोई ना दादा, जरा तुम भरो माल पानी, भरो यूट्यूब पे। कोई ना नेट ऑटोमेशन में काम करने की। भाई यहाँ पे इस बंदे ने अचानक आके एकदम कांड ही काट दिया। मुझे लगा सर न्यू पर तू है। सन्नी मेरे कैरेट जाके लूट। यहाँ पर अगर इस बंदे का एम एकदम परफेक्ट होता तो मेरी भी गन मार लेता। मुझे लगा ऊपर तू है। अबे ऊपर कैसे पहुंच गया नौ बंदा? Enemies ahead. भाई मैं यहाँ पर एकदम टोटली कंफ्यूज हो गया था कि मैं किसके पास जाऊँ। या तो चार नंबर के पास जाऊँ या तो तीन नंबर के पास जाऊँ। तीन नंबर के पास भी बंदे थे, चार नंबर के पास भी बंदे थे, लेकिन चार नंबर था हमारा एक नंबर का पीरो बंदा, वो तो मारे जा रहा था दना दन। लेकिन जो हमारा तीन नंबर था वो घुटने टेक चुका था। अब मैं सोचा कि तीन नंबर को मरने दिया जाए और जो उसको मारा है उसको हम मारेंगे, किल तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर हमने थोड़ा सा यहाँ पे किया कैंपिंग और फिर हमें थोड़ी देर बाद मिला कैंपिंग का प्रसाद। सारे मार दे भाई ने। वहां पे मेरा चार नंबर दना दन मारे जा रहा था लेकिन बेचारे वो भी आते हैं घुटनों पे। अब मैं जब तक वहां पे पहुंचता तब तक चार नंबर ने घुटने टेक दिए थे। अब देने के बाद उसको रिवाइव दिया जाए वरना पता चले मैं भी घुटने टेक दूं, फिर लॉबी जाना पड़े फालतू का। यहाँ पे मैं चार नंबर को रिवाइव दे ही रहा था लेकिन अपोनेंट को बहुत चुल्ल मची थी मारने के लिए, इसीलिए उसने तुरंत रश कर दिया, लेकिन उसका भी हम दोनों ने मिलके बहुत उतार ही दिया। बलात्कार हो गया। अब यहाँ पे हम अपनी कार उठा के बस निकल ही रहे थे बंदे बंदे ढूंढने के लिए ताकि मतलब वो मेरे से भी ज्यादा डम था। इतना अग्रेसिव प्लेयर था कि मेरी जितनी नॉलेज मेरे पास उसको इतनी भी नॉलेज नहीं है कि भैया किल मेरे को उसने उसकी एक डफ साइड है, मतलब उनका ड्राई फ्रूट का लगी है तो उसने 80-80 रुपए का बजट लगा के दो दिन फेसबुक ऐड चला रहे हैं। ऐसे देख रहा था चला के चलते हैं निकलते हैं। दो नंबर था भाई साहब, वो तो इतनी पार्ट पूरे मैच में कतर पतर कर रखा था लेकिन टाइम पास भी उसी ने करवाया। अगर वो नहीं होता तो मेरे अब वो ऐसी मजे में चला के देख रहा था। अब यहाँ पे हमारे चार ऐसी मजे में वो चला के देख रहा था और उसे अभी पता है सही से कीवर्ड टारगेट करना भी नहीं आता। क्या पता है कि इनको अंदर जाके खुद ही नॉक होना है और किल हमारे खाते में गिरने हैं।
अब यहाँ पे मेरे को प्लेयर फिर से स्पॉट होते हैं वेयरहाउस के अंदर जो कि रोज़ ओपन है, लेकिन हमारा चार नंबर इतना एग्रेसिव है कि पहले ही गाड़ी लेके घुस गया। इस बंदे का यही चलता है, पहले नॉक ऑफ दो उसके बाद लाइट दो फिर उसके बाद फिर ये मारे उठ के। पता कैसे लगा सन्नी यहाँ बैठा है तेरे को? अब इस बंदे को देखना ये आएगा कैसे और आके लेटने की कोशिश करेगा। और है क्या भाई? सन्नी सही हो गया तू अब खेलने में। भाई अब तो पिक्सल को लूट ले, मैं तो सही बता रहा हूँ भाई, पास में ही अपने तो। अब यहाँ पे मैं खेल का मौका बताता हूँ, अब चलती गाड़ी से खुद ही कूद जा और खुद को डैमेज दे देता हूँ। तीन बंदे जिसमें से एक को कर दिया मैंने नॉक और यहाँ पे हमारे चार नंबर है नाक देव का जो कि नाक बन गए टच देते हैं सबको को भी बचा देते हैं। कभी कभी अपनी टीम के भी सपोले एकदम काम आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, सारे सांप बुरे नहीं होते हैं, सारे सांप डसते नहीं है। ब्रो राशन नहीं बुरा तो पूरे पूरे दिन खेलता होगा। वही है, सही कह रहा है वो, जब जब देख अब तू अपने लाइफ के 24 घंटे में से आध घंटे देता है इसे, तो भाई कुछ कर। अब जो हमारे यहाँ पे दो नंबर थे जो इतने देर से हमें पका रहे थे, अब थोड़ा वो बन चुके हैं शिक्षा मंत्री, वो अब हमें शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा कि भैया कुछ करो जिंदगी में, गेमिंग फील्ड में कुछ करो। अगर इतनी इतनी देर तक तुम गांड बनाते हो उसमें तो ऑटोमेशन पे मैं बताता हूँ वेक्टर को कैसे। अब इतने हम यहाँ पे लूट ही रहे थे कि जब तक एक और स्क्वाड आ गई हमको मारने के लिए, जैसे कि हम इन्हीं की गर्लफ्रेंड लेके भागे हैं। अब आगे भी एक स्क्वाड और उसका भी एक स्क्वाड, हमें हमको समझ नहीं आ रहा था कि हमने क्या करा है ऐसा कि जो ये सब हमें हाथ धो के पीछे पड़े हैं और सिर्फ हमारे ही पीछे पड़े हैं। बाहर ले तो तुमने उठा रखा था नहीं दादा। अब जो हमारे यहाँ पे दो नंबर हैं जिनका नाम है बातची, नाम भी देखो कितना अच्छा रख रखा है बातची, तुम बिल्कुल ग्राउंड पे हर जगह अपनी बातचीत कर, बातचीत फैलानी है अपनी हर जगह। अब भाई हम यहाँ अपनी लूटा लाटी करके हमने चार नंबर ने प्लान बनाया कि भैया भागो यहाँ से, ये सब हमारी कान फाड़ देंगे, चार कर देंगे, 64 कर देंगे, 100 कर देंगे। लेकिन जब तक हमारे चार नंबर हो जाते हैं नॉक डाउन घुटनों पे आ जाते हैं, उनको बचाने के लिए हम बहुत बहुत ज़्यादा प्रयत्न करते हैं। निकल ले पहले यहाँ से गाड़ी में। मैंने यहाँ पे चार नंबर को बचा तो लिया था, लेकिन ये होटल वाला जैसे ही हिल लगाता है तुरंत साला गाड़ी में बैठ के अकेले भागने की सोचता है। लेकिन मैं भी हरामी, मैं भी कटिंग कर देता हूँ, लेकिन मुझे तो चढ़ी जाती है खेल की भूख। अब भाई जैसे ही अपनी गर्दन निकालता हूँ बाहर, तुरंत गर्दन तोड़ के मेरे को डाल देते हैं नीचे कि भैया तुम्हारे पास बैठने का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तुम यही रहो। यहाँ पर चार नंबर को बचाते बचाते खुद ही घुटनों पर आ जाता हूँ। अब भाई किसी तरह रगड़ते रगड़ते बोलते बोलते पता नहीं ये बंदे अपने क्या कर रहे होते हैं, उनको अपने आप ही लड़ने लग जाते हैं और मैं यहाँ पर किसी तरह बचता था। हमारे चार नंबर जो सांप के देवता थे वो हमें बचा लेते हैं, देखिए कैसे बताते हैं वो हमें। और इसमें आपने वो गोली चला दे
मंदिर जो नाग देवता है वो वहाँ पे एक बंदा भी मारते हैं और हमें बचाते भी हैं। देखते देख रहे हो कितने अच्छे नाग देवता है हमारे। अभी मैं अपने पैरों पे ढंग से खड़ा भी नहीं होता जब तक पता चलता है जो एक और स्क्वाड आ रही है हमें मारने के लिए और उसे भी हमें नाग देवता मार देते हैं। अब यहाँ पे मेरे हो चुके थे 11 किल और हमारे जो नाग देवता थे उनके पता नहीं कितने किल हुए थे। हमको तो लग रहा था कि उनके बहुत किल हुए हैं। अब पता चलता है आगे बुजुर्ग में भी बनते हैं। वहाँ पे एक नाग करने के बाद मैं सोचता हूँ कि रश मारूं लेकिन मैं नहीं मारता। भाई नहीं करेगा वो यार। देख सही बताऊँ अपनी ये फील्ड नहीं है। ओके हम हाँ ये कर सकते हैं कि तुम दोनों मिलकर अगर खेलते अपनी स्क्वाड बना लो तो फिर तुम कहीं अच्छे लेवल पे खेल सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे 4 नंबर थे वो फिर अपनी छोटी सी बुद्धि दौड़ाते हैं और स्मोक डाल के अंदर घुस जाते हैं। भाई साहब इतने अग्रेसिव प्लेयर और ये कब खर्चा हो जाते हैं कि हमें भी नहीं पता चलता है। अब जब तक मैं अपने 4 नंबर की रक्षा कर पाता अपने नाग देवता की रक्षा कर पाता तब तक हमारे पास खुद ही रश हो जाता है और देखते तो भाई नेम बोर्ड में तो इस स्क्वाड को तो मार देता हूँ लेकिन जो हमारे 4 नंबर है वो तो पूरा ही खर्चा हो जाते हैं। उनका तो पता ही नहीं चलता कब अंदर गए और कब खत्म हो गए। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ तो देखता हूँ एक और सांप यहाँ पे बनने की कोशिश कर रहा था। इच्छा वाली मार लेकिन उसको हमने मार दिया पूरा। पता नहीं पाप चढ़ेगा क्या चढ़ेगा लेकिन उसे मत चुप। हाथ में ग्रेनेड लेके भागो भाई फास्ट भागो। भाई मेरे को जाना था जोन था बहुत दूर हो गए लेकिन पीछे वाले इतने हरामी लौंडे थे कि फायरिंग दे रहे थे भाई जाने नहीं दे रहे थे। मतलब मैं फिर भी एक कवर में आके हील लगा रहा था। मैं पेन किलर बचा सकता हूं तुमको पड़े हरामी लौंडे थे। मैंने फिर से जैसे ही कवर छोड़ा ससुरे फिर से मारने लग गए। फिर मैं सोचा भाई साहब एक को तो टपली मारनी ही पड़ेगी। एक को टपली मारी मैंने फिर मैं अपने जोन की तरफ भाग के चल की क्योंकि मेरे को पता था उसको टपली डाल रखी है वो जोन से ही मरेगा। जोन में मरने वाला वो 100 तक वो तो जोन से ही मरेगा। भाई वहाँ पे उस बंदे पर टपली मारने के बाद मेरे को तो लगा था कि मैं जोन में पहुंच ही नहीं पाऊंगा लेकिन किसी तरह जोन में पहुंच गया। तो खाली लेकिन फिर मैंने देखा कि एक और बंदा वहाँ पे जोन के बाहर है जिसके पास गाड़ी भी है। देख लिया उसने तेरे को शायद उसने देख लिया तेरे को ड्रॉप पे नजर है उसके शायद कंड रखो भाई आपने। यहाँ पे मुझे उस बंदे को मारना नहीं था मेरे को बस उसकी गाड़ी चाहिए थी ताकि मैं जोन में जाऊँ बड़े प्यार से मेरे को कोई मार ना पाए। लेकिन भाई साहब मैं तो इस चीज में सक्सेसफुल हो गया उसकी गाड़ी लेके भाग के वेंचर। प्रॉपर फ्रेम लेके मारो। मैं गाड़ी लेने इस तरफ भाग हो गया था लेकिन वो भी भाई सांप देवता से पूरी ट्रेनिंग लेके आया था कि भैया सांप कैसे बनना है कब इच्छाधारी अपना रूप करना है। लेकिन मैं उसमें बच गया। मैं गाड़ी लेके भाग गया वहां से और इस चूजे को यहीं पे छोड़ दिया मैंने। यही होगा बंदा देखो अब जो आगे एक बंदा मेरी गाड़ी से उछल के मरता है जो कि प्रोन होता है जो कि कैंपर होता है उसकी हालत में इधर सोए कि कैसे मरा वो। अब यहाँ पे मैं जिस बंदे की गाड़ी लेके भागा था उसको मैंने पहले ही स्पॉट कर रखा था वो उस टावर के पीछे था। लेकिन मैं उससे थोड़े बहुत मजे लेने के मूड में रहता हूँ। अगर उसका स्प्रे इतना ठीक होता तो वो पहले ही मेरे को मार देता। लेकिन भाई साहब हम भी तो तेज हैं थोड़े बहुत मजे ले लिए उस गांडू से। क्या
महीने बता ना। अब मैं यहाँ पे उसको एक हेड हनेट करता हूँ और मेरे पास यही सही मौका था उसके ऊपर रश करने का, लेकिन मेरे साथ ही बकचोदी हो जाती है। देखो क्या होती है बकचोदी, खुद ही देख लो। गाड़ी रगड़ दियो, रगड़ दियो, गाड़ी रगड़ दियो। एनिमी को मुझे मारने की जरूरत ही नहीं है भाई, मैं अपने आप ही खुद मर जाता हूँ भाई। मैं नूब हूँ, मैं बकचोद हूँ सबसे बड़ा। अब यहाँ पर बचा था एक बंदा जो कि देखो आगे गाड़ी भी चढ़ाई, लेकिन भाई पबजी में कुछ जितवाना ही नहीं चाहता था। रेस्टर भी नहीं किया उसको, ऊपर से उछाल दिया भाई। लेकिन मैंने कभी मार दिया उसको, बहुत तेज़ हूँ मैं। यहाँ पे हमारा चिकन डिनर होते हुए आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।